नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सीएम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से दो तरीके ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स और ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ना है गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह, इसे रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हम पढ़ेंगे आज गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स। तो गैप बिटवीन स्मॉल लेटर में मैं आपको बता दूं कि इसमें पांच तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पांच प्रकार से प्रश्न बनता है। उन पांचों तरीकों को हम पढ़ लेंगे, और उन पांचों तरीकों को पढ़ने के बाद आपको आज से छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह गैप बिटवीन स्मॉल लेटर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो देखिए, शुरुआत करता हूं मैं, और गैप बिटवीन स्मॉल लेटर में जो पहला तरीका है, जो प्रश्न पूछने का पहला प्रकार है, उसे लिखता हूं सबसे बड़े समूह वाली श्रृंखला, अक्षरों के सबसे बड़े समूह वाली श्रृंखला। जो पहले तरीके का प्रश्न बनता है आपका गैप बिटवीन स्मॉल लेटर में, वो है सबसे बड़े समूह वाली श्रृंखला। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन बी सी ए डैश सी बी डैश ए डबल सी बी डैश ए डैश सी, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सबसे बड़े समूह वाली श्रृंखला वाले प्रश्न को? तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, और उस समूह को श्रृंखला में आरंभ से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, बिना गैप का सबसे बड़ा समूह बताइए। बिना गैप का सबसे बड़ा समूह क्या है? ए डबल सी बी। देखिए, बिना गैप का हमें सबसे बड़ा समूह मिला ए डबल सी बी। अब इसी समूह को श्रृंखला में आरंभ से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ए डबल सी बी बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर ए दिखाई दे रहा है, तो यहां पर क्या भर दूं? देखिए यहां पर अगर हम सी भर देंगे तो ए डबल सी बी बन जाएगा, ए डबल सी बी बन जाएगा। अब देखिए हमारी श्रृंखला यहां से कट रही है, देखिए श्रृंखला बढ़ रही है। देखिए बी सी ए डबल सी, बी के बाद बी दोबारा यहां पर दिखाई दे रहा है, तो बी के पहले तक देखिए श्रृंखला बढ़ रही है, बी सी ए डबल सी, यहां से श्रृंखला अलग हो रही है बी सी ए डबल सी। आगे भी देखिए बी दिखाई दे रहा है, बी के बाद सी भर देंगे तो बी सी ए डबल सी, फिर देखिए बी मिला, फिर बी मिला, बी के बाद क्या होगा बताइए? बी के बाद क्या होगा? सी होगा, तो बी सी ए डबल सी, तो यहां पर भी सी आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। कैसे समूह बट रहा है श्रृंखला? बी सी ए डबल सी के ग्रुप में श्रृंखला बट रही है, और ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। क्या करना है ऐसे प्रश्नों में? ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, और उस समूह को श्रृंखला में आरंभ से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो नोट के रूप में लिख लेते हैं, जो मैं बोल रहा था उसे नोट के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए नोट लिख लेता हूं, नोट लिखिए, इस तरह के प्रश्न में बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, ढूंढते हैं फिर उसे श्रृंखला में आरंभ से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मैं बोल रहा था उसी को हमने नोट के रूप में लिख लिया है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देखिए नोट भी मैंने लिखवा दिया है, नोट आप लिख लीजिएगा, अपनी नोट्स में उतार लीजिएगा, तो आपको हमेशा काम देगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। नोट करिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका,
इसी में लिख रहे हैं सबसे बड़े समूह वाली श्रृंखला का अगला प्रश्न है, देखिए दे रहा है ए सी डैश बी सी ए डैश डबल बी सी डैश सी डबल बी सी डैश सी बी डैश सी, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को दे रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है क्या करना है कि ऐसे समूह का चुनाव करना है, ऐसा समूह ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह चुनते हैं, सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं। तो बताइए बिना गैप का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, सी डबल बी सी, सी डबल बी सी। तो सी डबल बी सी को मैंने निकाल लिया और इसी को शुरुआत से स्टार्टिंग से रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सी डबल बी सी बनाना है, सी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या भर दूं बताइए, बी भर दूं तो सी डबल बी सी बन जाएगा। देखिए सी सी था, सी के बाद बी भर दिया तो सी डबल बी सी बन गया, सी डबल बी सी बन गया। अब देखिए ए के बाद दोबारा हमें ये दिखाई दे रहा है, दोबारा हमें यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, और हमारी जो श्रृंखला है, जो हमारी श्रृंखला है वो यहाँ से अलग हो रही है, ए सी डबल बी सी, ए सी डबल बी सी। फिर देखिए ए दिखाई दे रहा है तो फिर से क्या भर दूं, सी भर दूं तो ए सी डबल बी सी। फिर देखिए यहां से अलग हो जाएगी श्रृंखला, ए भर दूंगा ए सी डबल बी सी, फिर देखिए ए भर देंगे तो ए सी डबल बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। एक बार और आपको बता देता हूं, मैंने नोट लिखवा दिया है पिछले क्वेश्चन में ही, क्या करना है कि सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढना है और उस समूह को श्रृंखला में आरंभ से रिपीट करने की कोशिश करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं, नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, देखिए जो आपका पहला तरीका था, टाइप फर्स्ट था, सबसे बड़े समूह वाली श्रृंखला वो कंप्लीट हो गया है, टाइप फर्स्ट हो गया आपका। अब हमें पढ़ना है टाइप सेकंड, समान समूह वाली श्रृंखला। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं श्रृंखला, समान समूह वाली श्रृंखला, अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला। टाइप सेकंड, अब देखिए पहला प्रश्न लिखता हूं मैं समान समूह वाली श्रृंखला का, दे रहा है बी सी ए बी बी ए सी सॉरी बी ए सी डैश सी बी ए डैश बी सी बी डैश सी बी सी डैश ए सी बी, ये क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समान समूह वाली श्रृंखला अर्थात जो सभी समूह होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, सभी ग्रुप बराबर होंगे। तो देखिए इनमें जो सभी समूह हैं, सभी ग्रुप्स हैं, वो क्या हैं, बराबर हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे समान समूह वाली श्रृंखला को, देखिए ऐसे प्रश्न जिनमें सभी ग्रुप बराबर हों, किसी ऐसे ग्रुप को लेकर चलते हैं जो दोनों एंड में से, दोनों छोर में से किसी एक छोर पर हो। तो देखिए किसी भी ग्रुप को ले सकते हैं, चाहे इस वाले छोर को उठा लीजिए, चाहे इस वाले छोर को उठा लीजिए, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको इस वाले छोर से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, अगले वाले क्वेश्चन में हम इस वाले छोर को ले लेंगे। चलिए क्या करना है, ऐसे प्रश्न जिनमें सभी ग्रुप बराबर हो, किसी ऐसे ग्रुप को लेकर चलते हैं जो दोनों छोर में से, दोनों एंड में से किसी एक छोर पर हो। तो चलिए इस ग्रुप को उठा लेते हैं, ए सी बी को उठा लेते हैं, और शुरुआत से इसे बनाने की कोशिश करते हैं, ए सी बी को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ए सी लिखा है, क्या बनाना है, ए सी लिखा है, देखिए यहाँ पे ए सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या भरना है, बी भरना है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, बी भर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बी बन गया। अब देखिए हमारा ग्रुप कहाँ से अलग हो रहा है, देखिए बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी, देखिए बी ए सी बी सी, यहां से अगर हम श्रृंखला को अलग करें बी ए सी बी सी, फिर देखिए आगे बी ए, यहाँ पर सी भर देंगे तो बी ए सी बी सी हो जाएगा, फिर देखिए बी है तो फिर ए भर देंगे तो बी ए सी बी सी हो जाएगा, फिर भर देंगे बी को तो बी ए सी बी, और आगे क्या होगा, सी होगा, जो कि दिया नहीं है। तो हमारी श्रृंखला कंप्लीट हो गई, कैसे किस किस समूह में बट रही है, कैसे समूह में बट रही है, बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है, देखिए समान समूह वाली श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। नोट लिख लेते हैं, जो मैं बोल रहा था उसे नोट के रूप में लिख लेते हैं, देखिए नोट लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट है आपका, नोट लिखिए, देखिए ऐसे प्रश्न
जिसमें सभी ग्रुप बराबर हों, सभी ग्रुप बराबर हों, किसी ऐसे ग्रुप को लेकर चलते हैं, किसी ऐसे ग्रुप को लेकर चलते हैं, जो दोनों छोर में से किसी एक इंड पर हो। जो दोनों छोर में से, दोनों इंड में से किसी एक इंड पर हो। किसी ऐसे ग्रुप को लेकर चलना है, ऐसे प्रश्न जिनमें सभी ग्रुप बराबर हो, सभी ग्रुप क्या हो, समान हो, तो ऐसे ग्रुप को लेकर चलना है, किसी ऐसे ग्रुप को लेकर चलते हैं जो दोनों इंड में से, दोनों छोर में से किसी एक छोर पर हो। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, ये इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, नोट को भी उतार लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट करिए। नोट हो गया होगा आपको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। देखिए, ये आपने लिख लिया होगा। इसको मिटाता हूं और समान समूह वाली श्रृंखला का अगला क्वेश्चन लिखता हूं। मैं मिटा रहा हूं, देखिए, मिटा देते हैं इसे और समान समूह वाली श्रृंखला का अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, दे रहा है, अगला क्वेश्चन दे रहा है BAC BAC AAC CBA। देखिए, ये क्वेश्चन दे रहा है। अभी हमने उधर वाले ग्रुप को लिया था। अब देखिए, मैं इस वाले छोर को उठा के दिखाता हूं, इस वाले छोर से श्रृंखला को पूरी करके दिखाता हूं। तो देखिए, हम इस छोर को उठा लेते हैं, BAC को उठा लेते हैं। क्या मैंने बताया है कि ऐसे प्रश्न जिनमें सभी ग्रुप बराबर हैं, ऐसे ग्रुप को लेकर चलते हैं जो दोनों छोर में से किसी एक छोर पर हो। तो देखिए, इस छोर वाले ग्रुप को मैंने उठा लिया। तो अब देखिए, इसे आराम से रिपीट करने की कोशिश करता हूं, भरने की कोशिश करता हूं, BAC बनाते हैं। देखिए, अब देखिए, यहां पर हमें आगे देखिए AC दिखाई दे रहा है, A और C दिखाई दे रहा है। अब देखिए, A और C दिखाई दे रहा है, तो यहां पर क्या भर दूं बताइए, B भर दूंगा। देखिए, यहां पर क्या भर देंगे, B भर देंगे, तो BAC, देखिए BAC बन गया। अब आगे क्या लिखा है, देखिए BAC के आगे क्या लिखा है, C लिखा है, BAC के बाद C लिखा है, तो यहां पर भी देखिए BAC के बाद C लिख दूंगा। तो देखिए, हमारा जो समूह है वो बट रही है, श्रृंखला कट रही है। देखिए, यहां से BACC, फिर से देखिए BACC दिखाई दे रहा है, तो यहां से श्रृंखला अलग हो जाएगी, BACC BACC, फिर से यहां से श्रृंखला अलग होगी। देखिए, आगे डबल सी है, तो यहां पर बी और ए भर देंगे, तो BACC, फिर से देखिए बी है, तो BA हो जाएगा, और यहां पर सी हो जाएगा, तो BACC, फिर देखिए BA और आगे डबल सी भर देंगे, तो जो हमारी श्रृंखला थी वो पूर्ण हो गई, जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। तो कैसे करना है, समान समूह वाली श्रृंखला जब आ जाएगी, जब समान समूह वाली श्रृंखला आ जाएगी, ऐसे प्रश्न आ जाएगी जिनमें सभी ग्रुप बराबर होंगे, तो ऐसे प्रश्न जिनमें सभी ग्रुप बराबर हों, किसी ऐसे ग्रुप को लेकर चलते हैं जो दोनों इंड में से, दोनों छोर में से किसी एक छोर पर हो। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं मैं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। देखिए, समान समूह वाली श्रृंखला टाइप सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है टाइप थर्ड चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला टाइप थर्ड है। इसका देखिए पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला का दे रहा है P-RS-QR-PRSP-SP-R। ये क्वेश्चन दिया है SP-R, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला है, टाइप थर्ड है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस तरह के प्रश्न जिनमें ना तो सबसे बड़ा समूह हो। देखिए, इसमें भी चार अक्षर है और इसमें भी चार अक्षर है, तो सबसे बड़ा समूह कोई नहीं है,
कोई नहीं कह सकते कि इसमें ये सबसे बड़ा समूह है। तो ऐसे प्रश्न जिनमें ना तो सबसे बड़ा समूह हो और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, देखिए इसमें सभी ग्रुप बराबर भी नहीं है, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है, इसमें 1 अक्षर है। तो देखिए ऐसे प्रश्न जिनमें ना तो सबसे बड़ा समूह हो और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, तो इसमें साइक्लिक मेथड का प्रयोग करते हैं, इसमें अक्षरों के प्रकारों की संख्या को गिन लेते हैं और उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देते हैं। तो चलिए बताइए इसमें कितने प्रकार के अक्षर, देखिए P है, Q है, R है और S है, सिर्फ 4 प्रकार के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा कोई अक्षर नहीं है, 4 प्रकार के अक्षर हैं, तो 4-4 के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देंगे। तो देखिए 4-4 के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देता हूं मैं, ये आपका 4-4 के ग्रुप में मैंने श्रृंखला को क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखिए जिस ग्रुप में जो अक्षर नहीं है उस अक्षर को भर देंगे, श्रृंखला क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए P R S दिखाई दे रहा है, Q नहीं है, तो इसमें Q भर देंगे तो देखिए श्रृंखला क्या हो गई, पूर्ण हो गई। आगे देखिए Q है, R है, P है, क्या नहीं है, S नहीं है, तो यहाँ पर S भर देंगे, श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। फिर देखिए R S P है, Q नहीं है, तो इसमें Q भर देंगे, Q भर दिया, श्रृंखला यहाँ पर ये हो गई। आगे देखिए S P और R दिखाई दे रहा है, क्या नहीं है, Q नहीं है, तो यहाँ पर भी Q भर दिया और हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कैसे करना है कि जिस ग्रुप में जो अक्षर नहीं है उस अक्षर को भर देना है, श्रृंखला ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाएगी, श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। पूरी हो गई है, इसमें हम नोट लिख लेते हैं, उसके बाद आप नोट करिएगा। और देखिए बता दूं कि श्रृंखला बढ़ किस तरह से रही है, इसको भी बता दूं, देखिए कैसे बढ़ रही है, पी क्यू आर एस, फिर देखिए क्यू आर एस पी दिखाई दे रहा है, देखिए दूसरा अक्षर क्या है, क्यू है, तो दूसरे अक्षर से श्रृंखला को बढ़ा गया, देखिए दूसरा अक्षर है, फिर तीसरा अक्षर है, सॉरी दूसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, फिर चौथा अक्षर है, फिर पहला अक्षर है, देखिए दूसरा तीसरा चौथा और फिर पहले अक्षर को लिखा गया है। इसी प्रकार से देखिए इस वाले में, अब इस वाले से देखिए इस वाले में कैसे श्रृंखला बढ़ेगी, दूसरे से दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, फिर चौथा अक्षर और फिर पहला अक्षर, फिर देखिए दिखाई दे रहा है। फिर देखिए आगे वाले में कैसे होगा, आगे वाले में पहले दूसरा अक्षर आएगा तो देखिए एस दिखाई दिया, फिर तीसरा अक्षर आएगा, फिर चौथा अक्षर आएगा और फिर पहला अक्षर आर दिखाई देगा। तो देखिए ऐसे श्रृंखला आपकी भरी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया है ऐसा करना नहीं है, क्या करना है कि जितने प्रकार के अक्षर होंगे उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देंगे और जो अक्षर जिस ग्रुप में नहीं होगा उस ग्रुप में उस अक्षर को भर देंगे। तो चलिए नोट लिख लेते हैं, हम इसको मिटा देता हूं, नोट लिख लेते हैं, देखिए नोट लिख लेते हैं जो मैं बोल रहा था उसको नोट के रूप में लिख लेते हैं। देखिए नोट करिए, देखिए इस तरह के प्रश्न जिनमें ना तो सबसे बड़ा समूह हो, ना तो सबसे बड़ा समूह हो और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, ग्रुप बराबर हो, तो इनमें साइक्लिक मेथड का प्रयोग करते हैं, साइक्लिक मेथड का प्रयोग करते हैं इनमें अक्षरों के प्रकारों की संख्या को गिन लेते हैं, और उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देते हैं,
तो देखिए जो मैं बोल रहा था उसी को हमने नोट के रूप में लिख लिए है, जो बोल रहा था उसी को नोट के रूप में लिख दिया है। देखिए इस तरह के प्रश्न में जिनमें ना तो सबसे बड़ा समूह हो और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, ऐसे प्रश्न जिनमें ना तो सबसे बड़ा समूह हो और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, तो इनमें क्या करना है, साइक्लिक मेथड का प्रयोग करना है। इसमें साइक्लिक मेथड का प्रयोग करना है, इनमें अक्षरों के प्रकारों की संख्या को गिन लेंगे कि कितने प्रकार के अक्षर हैं, और जितने प्रकार के अक्षर होंगे उतने ही ग्रुप में श्रृंखला को बांट देंगे, और जिस ग्रुप में जो अक्षर नहीं होगा उस अक्षर को उस ग्रुप में भर देंगे, श्रृंखला क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाएगी, कुछ करना नहीं है। तो ये आपका नोट लिख गया है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इसको नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं मैं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए नोट कर लिया होगा आपने, इसे मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला पर ही आधारित। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, अगला क्वेश्चन दे रहा है ए सी बी डैश सी ए डैश सी डबल बी डैश डबल ए डैश बी। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, अब देखिए इसमें ना तो सबसे बड़ा समूह है और ना ही सभी ग्रुप बराबर है। देखिए इसमें भी तीन अक्षर है, इसमें भी तीन अक्षर है, तो ना तो सबसे बड़ा समूह है और ना ही सभी ग्रुप बराबर हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनमें ना तो सबसे बड़ा समूह हो और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, तो उनमें साइक्लिक मेथड का प्रयोग करते हैं, अक्षरों के प्रकारों की संख्या को गिन लेते हैं और जितने प्रकार के अक्षर होते हैं उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देते हैं। तो बताइए कितने प्रकार के अक्षर है, देखिए ए है बी है और सी है, तीन प्रकार के अक्षर हैं, तो तीन तीन के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देंगे। तो देखिए तीन तीन के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देता हूं, देखिए ये मैंने तीन तीन के ग्रुप में आपकी श्रृंखला को बांट दिया, देखिए ये तीन तीन के ग्रुप में श्रृंखला को बांट दिया, पूरी श्रृंखला को तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया। अब देखिए जिस ग्रुप में जो अक्षर नहीं होगा उस ग्रुप में उस अक्षर को भर देंगे, श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए ए सी बी इसमें पूरा भरा है, आगे देखिए सी सी और ए भरा है, क्या नहीं है, बी नहीं है तो बी भर दिया। तीसरे वाले ग्रुप में देखिए सी और बी है, ए नहीं है तो ए भर दिया, तो ए सी बी हो गया। फिर देखिए अगले वाले ग्रुप में B और A है, C नहीं है तो C भर दिया। फिर देखिए लास्ट वाले में A और B है, C नहीं है तो C भर दिया, और श्रृंखला क्या हो गई। फिर से ध्यान दीजिएगा, जितने प्रकार के अक्षर होंगे उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट देंगे और जिस ग्रुप में जो अक्षर नहीं होगा उसको भर देंगे, बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब देखिए श्रृंखला कैसे बढ़ रही है, ए सी बी बी सी ए, ए सी बी बी सी ए, ए सी बी, ए सी बी बी सी ए, ए सी बी बी सी ए, ऐसी श्रृंखला बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके आगे मैं बढ़ाता हूं आपका चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला के बाद चौथा टाइप, तो इसको लिखिए फिर बढ़ाता हूं। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं और अगला टाइप लिखते हैं, चौथा टाइप अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला, अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला, अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला चौथा टाइप है। देखिए चौथा टाइप है, इसके बाद एक टाइप बचेगा लास्ट टाइप, उसे भी पढ़ेंगे। अब देखिए अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला प्रश्न दे रहा है आपका, अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला पे आधारित ए डैश डबल ए डैश, तीन बार ए दिया है, फिर से डैश है, ट्रिपल ए डैश है, फिर देखिए आपका डबल ए डैश, फिर आपका एक सिंगल ए दिया है, फिर डैश है, फिर आपका पांच बार ए दे रहा है, फिर आपका डैश नहीं सॉरी लास्ट में बी है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला इंक्रीजिंग पैटर्न वाली श्रृंखला है। देखिए ए दिखाई दिया, फिर दो बार ए, फिर तीन बार ए, फिर आपका देखिए लास्ट में पांच बार ए दिखाई दे रहा है, फिर बी दिखाई दे रहा है, अर्थात अक्षरों के मान क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। देखिए ए का मान लास्ट में तेजी से बढ़ा है, अर्थात ए का मान बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चलिए देखिए लास्ट में बी लिखा है, मतलब बी इसमें प्रयोग होगा। अब देखिए ए का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो देखिए कैसे श्रृंखला बढ़ेगी, यहाँ पर क्या आएगा, ए के बाद देखिए बी आ जाएगा तो ए बी हो जाएगा, ए बी बन गया। अब देखिए दो बार ए है, डबल ए है, दो बार ए है, फिर ए फिर क्या भर देंगे, बी भर देंगे। तो देखिए पहले ए बी आया, फिर दो बार ए आया, फिर बी आया, फिर देखिए आपका तीन बार ए दिखाई दे रहा है, फिर क्या भर देंगे, बी भर देंगे। तो देखिए श्रृंखला चल रही है कैसे, एक बार ए आया, फिर एक बार बी आया,
फिर देखिए दो बार ए आया फिर भी आया, फिर तीन बार ए आया फिर भी आया, अब क्या होगा बताइए, चार बार ए आएगा फिर क्या आएगा बी आएगा, फिर लास्ट में देखिए पांच बार ए लिखा है फिर बी भरा है, तो श्रृंखला क्या हो गई एकदम सही चल रही है, एक बार ए है फिर बी है, फिर दो बार ए है फिर बी है, फिर तीन बार ए है फिर बी है, फिर चार बार ए है फिर बी है, फिर पांच बार ए है फिर बी है, तो अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला है, इंक्रीजिंग पैटर्न वाली श्रृंखला है, तो नोट के रूप में लिख लेते हैं, देखिए नोट के रूप में लिख लेते हैं, देखिए यदि एक ही प्रकार के अक्षर का रिपीटेशन बहुत अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, यदि एक ही प्रकार के अक्षर का रिपीटेशन बहुत अधिक हो, देखिए रिपीटेशन हो रहा है, पहले एक बार ए है फिर दो बार है फिर तीन बार है फिर चार बार है फिर पांच बार है, तो इंक्रीजिंग पैटर्न है, कैसा है इंक्रीजिंग पैटर्न है, यदि एक ही प्रकार के अक्षर का रिपीटेशन बहुत अधिक हो तो वहां पर इंक्रीजिंग पैटर्न लागू होता है, लिख लेते हैं नोट के रूप में, तो देखिए यदि एक ही प्रकार के अक्षर का रिपीटेशन बहुत अधिक हो तो वहां पर इंक्रीजिंग पैटर्न लागू होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को याद रखिएगा कि यदि एक ही प्रकार के अक्षर का रिपीटेशन बहुत अधिक हो, एक ही अक्षर का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो, देखिए यहाँ पर ए का क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था बार बार, यदि एक ही प्रकार के अक्षर का रिपीटेशन बहुत अधिक हो तो क्या होता है, इंक्रीजिंग पैटर्न लागू होता है, इंक्रीजिंग पैटर्न को लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट्स को भी अपने नोट्स में जो है लिख लीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूं अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला पे ही आधारित, देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है ABC AB C AB C डैश A डबल B डबल C, फिर देखिए आगे दे रहा है AAA AAA B डैश B, फिर आपका दे रहा है CCC, फिर आगे दे रहा है AA-A, फिर आगे दे रहा है आपका चार बार B दे रहा है और फिर चार बार C दे रहा है, तो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए लास्ट में हमें चार बार B और चार बार C दिखाई दे रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, सभी अक्षर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक अक्षर नहीं बढ़ रहा, कोई एक अक्षर नहीं बढ़ रहा है, सभी अक्षर बढ़ रहे हैं, सभी अक्षरों में इंक्रीजिंग पैटर्न लागू हो रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए प्रारंभ में हमें शुरू में ए बी सी, एक बार ए फिर बी फिर सी मिला है, देखिए पहले एक बार ए बी सी मिला है, फिर लास्ट में देखिए बी आपका चार बार हो गया है और सी आपका चार बार हो गया है, अब देखिए शुरुआत में हमें ए बी सी मिला, फिर देखिए आगे हमें देखिए आगे जब देखें तो डबल बी है और डबल सी है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, डबल ए होगा, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, डबल ए भर देंगे, तो देखिए एक बार ए बी सी आया, फिर आपका डबल ए डबल बी डबल सी आया, फिर देखिए तीन बार ए दिखाई दे रहा है, इसके बाद तीन बार ए लिखा है फिर क्या होगा, तीन बार ए लिखा है फिर यहाँ पर डैश है फिर तीन बार सी है, तो बीच में क्या होगा बताइए, तीन बार बी होगा, तो यहाँ पे बी भर देंगे, तो तीन बार ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल बी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, आगे देखिए लास्ट में यहां से देखिए लास्ट में चार बार बी है और चार बार सी है, तो यहाँ पर क्या होगा, चार बार ए होगा, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, ए भर देंगे, तो देखिए लास्ट में आपका चार बार ए हो गया, फिर चार बार बी हो गया और फिर चार बार सी हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कैसे बढ़ रही है श्रृंखला, पहले ए बी सी है, फिर दो बार ए है, दो बार बी, दो बार सी, फिर तीन बार ए, तीन बार बी, तीन बार सी, फिर चार बार ए, चार बार बी और चार बार सी, तो ऐसे भी प्रश्न बनता है, इस पैटर्न को भी याद रखिएगा, आपका अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला का जो चौथा टाइप था आपका अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला वो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप, पांचवा टाइप आपका, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं मैं, देखिए ये आपका नोट हो गया होगा, ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा, तो जो आपका चौथा टाइप था अक्षरों के बढ़ते क्रम वाली श्रृंखला वो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद पांचवा टाइप हमें पढ़ना है क्लोज वैरायटी सीरीज, जो आपका पूछा जाता है अक्षर सादृश्यता श्रृंखला, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं
अक्षर सादृश्यता श्रृंखला, अक्षर सादृश्यता श्रृंखला। देखिए आपका पांचवा टाइप है, लास्ट टाइप है आपका अक्षर सादृश्यता श्रृंखला। पांचवा टाइप क्वेश्चन लिखता हूं मैं अक्षर सादृश्यता श्रृंखला पर आधारित। देखिए इसे क्लोज वैरायटी सीरीज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बी सी डैश के सी बी डैश के डबल सी डैश डबल बी डैश के सी डैश बी, ये क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपका क्लोज वैरायटी की जो सीरीज पूछी जाती है कैसे सॉल्व करेंगे, अक्षर सादृश्यता श्रृंखला जो पांचवा टाइप का प्रश्न आपका पूछा जाता है उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न सीधे ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं। इसमें प्रायः दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होता है, प्रायः हमेशा दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होगा। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो सीधे ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं, इसमें प्रायः दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होता है, इसे क्लोज वैरायटी सीरीज भी कहते हैं, क्लोज वैरायटी सीरीज कहते हैं। चलिए देखिए दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होगा तो देखिए इसको और इसको मिला देंगे, जो आपका पहला और लास्ट अक्षर है तो इसको मिला दिया। देखिए पहला और अक्षर एक ही प्रकार का होगा। इसके बाद देखिए सी और सी, देखिए दूसरा अक्षर और अंत से दूसरा अक्षर भी क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर देखिए दूसरा अक्षर सी है तो इधर भी क्या होगा, सी होगा। अब देखिए इधर मिलाते हैं, इधर भी देखिए यहां पर सी है तो यहां पर भी क्या होगा, सी होगा। फिर देखिए के है तो यहां पर भी क्या है, के है। फिर देखिए सी है तो यहां पर भी क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार देखिए यहां पर बी है तो यहां पर भी बी होगा, देखिए बी है। यहां पर देखिए बी है तो यहां पर भी बी होगा, यहां पर देखिए के है तो इसमें भी के होगा, और यहां पर दोनों में क्या है, सी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। कैसे करेंगे क्लोज वैरायटी टेस्ट में क्या करना है कि इसमें प्रायः जो क्वेश्चन आता है वो सीधे ऑप्शन से सॉल्व किया जाएगा, इसमें दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होता है, इसे क्लोज वैरायटी सीरीज भी कहते हैं। नोट लिखवा देते हैं, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, चलिए इसको बना लीजिए, इसको बनाइए बन गया होगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, नोट लिखने की जगह मिल जाएगी, इसको मिटा देता हूं, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नोट लिख लेते हैं, नोट लिखिए, इस तरह के प्रश्न जो बोल रहा था वही लिख रहा है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न सीधे ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं इनमें प्रायः दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होता है, दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होता है। तो आपका नोट लिख गया है। देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दें जिनमें दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होगा तो आप समझ जाएंगे अक्षर सादृश्यता श्रृंखला वाला प्रश्न है, क्लोज वैरायटी सीरीज वाला प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीधे ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे, दोनों छोर पर एक ही प्रकार का अक्षर होगा, इसको मिला देंगे, दूसरे अक्षर को अंत से दूसरे अक्षर से मिला देंगे, प्रारंभ के तीसरे अक्षर को अंत के तीसरे अक्षर से मिला देंगे और वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट लिख लीजिए। देखिए नोट लिख लीजिए फिर आगे बताता हूं। तो देखिए आज का जो सेशन था आपका गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का वो समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको गैप बिटवीन स्मॉल लेटर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो जो आज का सेशन था वो कंप्लीट हो गया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।